अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन, आज हम अपने जनरल साइंस के लेक्चर में बाब नंबर 4 साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सवालात के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 29। सो द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज रडार सिस्टम से क्या मुराद है, या रडार क्या है और इसका फंक्शन क्या है। लव रडार, रेडियो डिटेक्शन ऑफ रिंगिंग क्या है? लव रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड हैंग रिंगिंग से माहूर है, यानी जुड़ा हुआ है। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने और वसूल करने का काबिल इस्तेमाल आला है, यानी रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने और इसे रिसीव करने के लिए बहुत ही काबिल इस्तेमाल आला है, जो अमूमन रेडियो वेव माइक्रोवेव की शक्ल में होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है जो रोशनी की रफ्तार से हरकत करती है और इसकी खसूसियात वेव लेंथ पर मुंहसर होती है, यानी डिपेंडेंट होती है। अब मैंने आपको इसमें बताया कि लव रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग से जुड़ा हुआ होता है। ये रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने और इसे रिसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल इस्तेमाल यूनिट होता है, जो ख़ास तौर पर अमूमन रेडियो वेव और माइक्रोवेव की सूरत में उसकी शक्ल में मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है जो रोशनी की रफ्तार से हरकत करती है और इसकी खसूसियात वेव लेंथ पर मुनहसर होती है। रडार रिमोट डिटेक्शन सिस्टम एशिया को तलाश करने और इनकी पहचान करने में भी मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के रडार कैसे काम करता है। रडार एक घूमने वाले एरियल के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव की छोटी पल्सेस ट्रांसमिट करता है। रडार जो है वो एक घूमने वाला एरियल होता है, एरियल मानी के जो इजीली घूम सके, मूव कर सके, उसके ज़रिए हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव की छोटी छोटी पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। पल्सेस जब किसी भी चीज़ से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पल्सेस जो हैं वो किसी भी चीज़ के साथ जब टकरा जाएं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिन्हें रडार का एंटीना वसूल करता है और इससे चीज़ का ट्रेस या शक्ल एक स्क्रीन पर हासिल होती है। यानी जब चीज़ें पल्सेस आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं तो रडार का एंटीना उसको रिसीव कर लेता है और इस चीज़ को वो ट्रेस कर लेता है या उसकी शक्ल पर एक स्क्रीन हासिल हो जाती है। रडार दो फासले पर पड़े जिस्म की मुख्तलिफ खसूसियात को मालूम कर सकता है, मतलब इसका जिस्म का फासला, इसकी स्पीड और इसकी हरकत की सिमत वगैरह। अब हमने पढ़ा कि रडार जो है वो जिस्म का फैसला, इसकी स्पीड और इसकी हरकत की स्पीड जो है, इसकी सिमत, इसके डायरेक्शन को भी मालूम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि रडार क्या काम सर अंजाम देता है, या रडार का मकसद क्या है। रडार दो फासले पर पड़े जिस्म की मुख्तलिफ खसूसियात मालूम कर सकता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि मसलन इसके जिस्म का फासला, इसकी स्पीड और इसकी हरकत की सिमत वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के रडार किस तरह हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। रडार 100 मिलियन और मिलिट्री दोनों शोबों में हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। रडार जो है वो 100 रडार सिविलियन और मिलिट्री जो है उन दोनों डिपार्टमेंट्स में हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम का बहुत बड़ा नेटवर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एयरक्राफ्ट के ट्रैकर्स दुरुस्त कर रखने में मदद करता है ताकि फिजाई टकराव से बचा जा सके। यहाँ पे सके आना है, सकते नहीं आना।
यानी कि हमें पता कि रडार इस तरह हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि इसके लिए ग्राउंड में बहुत बड़ा रडार सिस्टम का नेटवर्क बिछा हुआ है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की एयरक्राफ्ट के स्पेस दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें मदद देता है। नेक्स्ट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे रेडिएशन की तारीफ कीजिए या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। जवाब है वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 यानी 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशन को खारिज करते हैं और ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रेडियो एक्टिविटी क्या है या रेडियो एक्टिविटी की तारीफ कीजिए या रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है। दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से तकरीर कीजिए। जवाब है हमारे पास वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 यानी 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनसे रेडिएशन खारिज होने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ये रेडिएशन तीन किस्म के होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। कितने किस्म के होते हैं, तीन किस्म के, कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 के रेडियो एक्टिविटी का अमल कब और किसने दरियाफ्त किया। रेडियो एक्टिविटी का अमल हेनरी बेक्यूरल ने 1896 में इत्तफाकन दरियाफ्त किया। इसने मुशाहिदा किया कि यूरेनियम सॉल्ट फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर दी जाती है। यूरेनियम को ब्लैक कवर से दाम देने के बावजूद ये अमल जारी रहता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का जो अमल था वो हेनरी बेक्यूल ने 1896 में दरियाफ्त किया था। इसने ये मुशाहिदा किया था कि यूरेनियम सॉल्ट को फोटोग्राफिक प्लेट्स को धुंधला कर भी देखा जा सकता है, अगर इसके ऊपर ब्लैक कवर से भी इसको दाम दिया जाए तो ये अमल जो है वो जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अल्फा रेडिएशन क्या है। अल्फा रेडिएशन तेज रफ्तार हीलियम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हैं। हीलियम का मास नंबर 4 और चार्ज 2 होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अल्फा रेडिएशन जो है वो तेज रफ्तार हीलियम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। हीलियम का मास नंबर 4 और चार्ज इसका 2 होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अल्फा रेडिएशन किन जरात पर मुश्तमिल होती हैं या अल्फा रेडिएशन किस पर मुश्तमिल होती हैं। जवाब है इसका हमारे पास कि अल्फा रेडिएशन तेज रफ्तार हीलियम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बहुत ही आसान बहुत छोटा सा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम को आप स्पॉइल मत कीजिए। आप अपने स्पेयर टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने स्टडी के ऊपर कीजिए ताकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आने वाले वक्त में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और अपने सिलेबस को आप जल्द से जल्द कवर कर लें और आपको इंशाल्लाह इसका रिवार्ड भी बहुत जल्द और ज़रूर मिलेगा। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।